नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको O2 एनालाइजर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो अपना बॉयलर में APS इनलेट और आउटलेट में लगता है O2। तो ये देखिए, ये हमारा अभी मैंने पावर ऑफ कर रखा है, जिसमें वैल्यू सही नहीं आ रही है। तो इसके बारे में हम लोग आज इसका ट्रबल शूटिंग करेंगे, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अभी इसको निकालते हैं। इसको ये इसका पावर सप्लाई है ये वाला, और इधर वाला जो है मिली एम्पियर आउट है, ठीक है। अभी सप्लाई ऑफ कर रखा है हम लोगों ने। इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ, ये है इसका मॉडल नंबर। इसको खोलेंगे, जिरकोनिया सेल को चेंज करना है हम लोगों को नया। देखिए, मैंने इसके नट अभी खोल रखे हैं, खोल दिए हैं, ठीक है। अभी इसको निकालते हैं। ये अभी बहुत गर्म है, गैस फिल्टर के लिए। ये बहुत छोटे छोटे होल दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ से ये सैंपल जो है भेजता है, ठीक है। ये देखिए, ये जिरकोनिया है, ये देखिए, ये है जिरकोनिया, ठीक है। ये तो इसी को मुझे अभी रिप्लेस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि कल इसका कैलिब्रेशन तो सही लिया इसने, बट वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो जाती है अपने आप। तो इसी के लिए हम लोग अभी नया जिरकोनिया चेंज करेंगे। तो इसको भी मैं रख देता हूँ। ये दिख रहा होगा, एक स्प्रिंग टाइप का, ये इसके अंदर हीटर रहता है, जिसका टेम्परेचर 750 डिग्री आने के बाद ही एक्टिव होता है। ये जिरकोनिया सेल जो है मेजरमेंट मोड में जाता है। तो ये है इसका नया जिरकोनिया, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, और इस जिरकोनिया के साथ में क्या क्या आता है वो भी दिखा देता हूँ। ये है हीटर के लिए, हीटर के लिए वायर ये है, ठीक है। और ये ओरिंग और ये फिल्टर, ठीक है। ओरिंग और फिल्टर भी साथ में ही आता है इसे जिरकोनिया के साथ में। तो ये भी चेंज करेंगे हम लोग, नया डाल देंगे। ये मैंने ओरिंग डाल दिया, यहाँ पर दिख रही होगी ओरिंग, ठीक है। अब इसको कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए, मैंने जिरकोनिया इंस्टॉल कर दिया है अभी, ठीक है। और इसका जो ओरिंग था ना, वो ओरिंग देख के लगाना पड़ता है, तो ये एकदम बिल्कुल आसानी से एकदम जो है बिल्कुल शट चिपक जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो सैंपल वाला जो होल है, इसको मैच कराना पड़ता है, बाकी ये चार नट जो है ये टाइट हो जाएंगे, ये सैंपल के लिए। तो अब इसके ऊपर मैं ये जाली और ये सैंपल के लिए ये असेंबली ये फिट करता हूँ, ठीक है। तो बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है जिरकोनिया को कि टूट ना जाए, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने जाली लगा दिया है, इसका सैंपल के लिए लगा दिया, ये सैंपल यहाँ से और इसके अंदर भेजेगा। जब हम सिलेंडर लगाएंगे ना, तो वहाँ से सिलेंडर से जब हम लोग स्टैंडर्ड गैस देंगे, तो वहाँ से आने के बाद इस वाले ट्यूब से होते हुए ये जो दिख रही है यहाँ पे डालेगा इसको, ठीक है, इसके अंदर, तभी ये मेजर करेगा जिरकोनिया, ठीक है। तो अभी इसको सारे नटों को टाइट कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसको लगाने के बाद इसका कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, ठीक है। जीरो और इसको ऑन करके दिखाऊंगा। मेरे पास सिलेंडर है स्टैंडर्ड गैस और ऑक्सीजन का, इसको लगा रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉल करते हैं। इसके अंदर एक प्रोटेक्शन ट्यूब भी होता है, वो मैं आपको नहीं दिखा पाया। ये जो अंदर वाला जो दिख रहा है ना, वो प्रोटेक्शन ट्यूब है। तो अब इसको टाइट कर देंगे एकदम बढ़िया से। गैस्केट कहाँ है? गैस्केट है ना, हाँ गैस्केट। देखिए, अभी इसकी सप्लाई ऑन कर दिया है, और ये जो डिस्प्ले में जो शो कर रहा है ना टेम्परेचर है, अभी हीटर ऑन हो गया है। अब जब इसका 750 डिग्री यहाँ पे डिग्री में 750 डिग्री जब आ जाएगा टेम्परेचर, तो फिर जिरकोनिया अपना मेजर स्टार्ट करेगा मेजर में, ठीक है। तो तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। इसके एक है रिफरेंस इन, एक है कैल इन। तो रिफरेंस वाले में नहीं, जो कैल इन वाला है ना, ये वाला पोर्ट है, यहाँ पे हम लोग गैस देंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड गैस यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जब करूँगा तो मैं दिखाऊँगा आपको, ठीक है।
तब तक इसका टेम्परेचर आने में कम से कम 10 मिनट लगेगा टाइम, ठीक है। अभी देखिए 212 हुआ है, तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको जैसे स्टार्ट होता है। देखिए अभी 750 टेम्परेचर होने के बाद अभी ये रीड कर रहा है, ठीक है, ये देखिए। बट अब हम इसको कैलिब्रेशन चेक करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम इसको एयर में एटमॉस्फेयर में देखेंगे 21% ऑक्सीजन आता है क्या, ठीक है। अभी जो है सैंपल फ्लू गैस का जो है वो मेजर कर रहा है, ठीक है। तो दिखाता हूँ अभी ये हम लोग यहाँ से जो मैंने दिखाया था ना कैल इन वाला, वो वाला पोर्ट अभी इसका ओपन करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे ऑक्सीजन बढ़ रहा है, वो ओपन कर रहे हैं पोर्ट को, ठीक है। तो देखते हैं 21% मेजर करता है फिर उसको। तो देखिए ये इसके पैरामीटर चेक करने के लिए है। तो सबसे पहले हम स्पान वैल्यू चेक कर लेंगे कि हम लोगों ने क्या डाल के रखा है। तो B02 पे स्पान वैल्यू चेक कर लेंगे, और पासवर्ड है इसका 1102, ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यही रहता है। बाकी आपके ऊपर है आप क्या चेंज करना चाहते हो। तो सेट 0 वैल्यू और स्पान वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये एयर में 21% होना चाहिए, बट ये अभी 19.2 दिखा रहा है, तो चेक कर लेते हैं। तो इंटर, पहले सबसे पहले हम इंटर दबाएंगे, पासवर्ड इंटर 1, इससे आगे जाएगा 1102, इसको 2 करना है 1 2, उसके बाद इससे इंटर, ये आ गया A01। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा करना है, स्पान चेक करना है और 0। तो B01 चेक कर लेते हैं, B02, तो B02 पहले चेक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ से B02, ठीक है, B02 हो गया। अब इसके इंटर, तो 21% पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चेक हो गया, अब 0 भी चेक कर लेते हैं क्या पड़ा हुआ है। 1, ये देखिए 0.4 पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। हमारे पास सिलेंडर जो है 0.4 का है, इसलिए यहाँ 0.4 सेलेक्ट है पहले से। अगर नहीं होता तो 0.4 यहाँ पे कर देते सेलेक्ट, ठीक है। तो इसको बैक आ जाते हैं, तो ये वाला बटन और ये साथ में दबाएंगे दोनों, तो बैक हो जाएगा। अब इसको हमको कैलिब्रेशन मोड में जाना है। तो कैलिब्रेशन मोड के लिए मैंने बताया था आपको B10, तो यहाँ पर B और इसको 10 कर देते हैं, B10 हो गया। अभी इंटर कर रहे हैं, अभी ये कैल आ गया, अभी इंटर करते हैं। अब ये बोल रहा है स्पैन करना है कि नहीं, यस। तो यहाँ से यस और नो अगर नहीं करना है तो ये बीच वाले एरो से चेंज कर सकते हैं, बट हमको करना है इसलिए यस करके ये इंटर कर दिए। 21% जो सेट कर रखा है हम लोगों ने एटमॉस्फेयर पे वो है। अब इसके बाद क्या मेजर करेगा, इंटर करते हैं। ये देखिए 20.26 मेजर कर रहा है और बोल रहा है ओपन कर दीजिए इसका पोर्ट। तो हम लोगों ने ओपन कर रखा है पोर्ट को ऑलरेडी, ये देखिए ओपन है ये वाला पोर्ट, ठीक है। कम, थोड़ा सा कम रीड कर रहा है, बस इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये ट्रिम कर लेगा इसको, ठीक है। अभी ये बढ़ रही है वैल्यू, देखते हैं कितनी बढ़ती है। थोड़ा स्टेबल होने में 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, वैल्यू स्टेबल हो जाएगी तो फिर उसके बाद इसको इंटर कर लीजिए। अभी मैं इंटर कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी देर से पोर्ट खुला हुआ है, इसलिए मैंने इसको इंटर कर दिया। अब बोल रहा है 0 करना है कि नहीं करना है, तो 0 करना है हमको, तो यस। अगर नहीं करना है, आपके पास सिलेंडर नहीं है, तो आप यहाँ पे 9 कर देंगे बीच वाले से चेंज करके। यस कर देता हूँ इंटर, 40 की 0 गैस जो है जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो इसको देना पड़ेगा इस चैनल को। तो सिलेंडर जो है उठाते हैं, लगाते हैं इसको सिलेंडर को, ठीक है, फिर उसके बाद इसको इंटर करते हैं। तो इसको 1 से लेकर 1.5 kg तक का प्रेशर हम लोग यहाँ से सेट करेंगे इसके सिलेंडर को, ठीक है, रेगुलेटर। देखिए यहाँ पे हमने 0 गैस को कनेक्ट कर दिया है और इसको अब इंटर करते हैं। तो ये इंटर कर दिया, ये रीड कर रहा है 0.26, ठीक है। देखते हैं कितना रीड करता है इसको, और ओपन है, मतलब ओपन मतलब समझ रहे हैं इसका ओपन मतलब कि पोर्ट ओपन करके स्टैंडर्ड गैस हम लोगों ने इनपुट किया है।
ये जब जैसी वैल्यू स्टेबल हो जाएगी तो फिर इसको इंटर करेंगे। देखिए अभी 0.4 को ये 0.26 रीड कर रहा है, अभी इसी पे वैल्यू होल्ड है, तो अब आप इंटर कर सकते हैं, इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक ट्रिम ले लेगा। तो बाद में दिखाऊंगा। देखिए 0.28 पे हमने कर दिया, ठीक है। दे रखी है अभी 0.4, तो देखिए 0.4 एकदम एग्जैक्ट रीड कर रहा है। तो अभी हम इसको प्रोसेस में ले लेते हैं, तो उसके पहले मैं एक बार और आपको स्पैन भी एक बार दिखाऊंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं स्पैन हमारा चेंज हो गया हो। तो अभी गैस हम लोग बंद कर देते हैं, ट्यूब निकाल देता हूँ, अभी एटमॉस्फेयर में चेक करते हैं कितना वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए हो गया, अब एक बार तो वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि अचानक से जब हम एयर पे देंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। अभी देखिए धीरे धीरे इसको 21% आ जाएगा, ये अपने आप थोड़ा सा टाइम लेगा एक बार 21% आने में, ठीक है। तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा होने वाला है वीडियो। तो देखिए ये आ गया है 20.5, ठीक है। अभी ये धीरे धीरे अभी डाउन हो रहा है ना, अभी फिर बढ़ेगा। देखिए अभी ये 20.9% दिखा रहा है ना, तो अभी इसको हम लोग सैंपल जो अपना फ्लू गैस है ना उस पर अभी इसको पोर्ट को ऑफ क्लोज कर देते हैं। तो अभी जो फ्लो गैस है उसका मेजर दिखाता हूँ मैं, कितना ऑक्सीजन अभी मेजर कर रहा है ये, ठीक है। देखिए अभी इसका एकदम इसको पोर्ट को ऑफ कर रहे हैं, देखते हैं वैल्यू कम होती है कितनी होती है। देखिए वैल्यू कम होने लगी, ठीक है। तो अभी इसका APS आउटलेट का है ये, देखते हैं APS आउटलेट में कितना ऑटो चल रहा है अभी। तो जैसे ये स्टेबल होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये वैल्यू हो गई है स्टेबल 5.7, और इतना तो ये वैल्यू वैरी करेगा, ठीक है। तो ये रहा इसके कैलिब्रेशन, और मैंने आपको इसका दिखा दिया, इसके पैरामीटर क्या क्या होते हैं इसको चेक करना है आपको, ये भी दिखा दिया मैं। वो बस यही है इसका कैलिब्रेशन, और आज मैं दूसरा कैलिब्रेशन एक दिखाऊंगा आपको, CO एनालाइजर। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।